सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार स्कूल बिल्डिंग के लिए। मैं खुद दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ और काफ़ी नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि वो नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल भी आज दिल्ली के इस राणा प्रताप सर्वोदय कन्या विद्यालय बाल विद्यालय के सामने फेल है, इतनी शानदार बिल्डिंग जहाँ पे स्कूल की बनी हुई है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी PWD की पूरी टीम का, हमारे ENC अनंत कुमार जी, चीफ इंजीनियर मलिक साहब, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर राजपाल सिवरेन जी, हमारी XEN स्वाति जी जो हमेशा शानदार फर्निशिंग के साथ स्कूल्स को हमारे तैयार करते हैं। PWD की टीम जो यहाँ पे मौजूद है, प्लीज़ एक बारी स्टेज पे आ जाइए, जो भी PWD से यहाँ पे सारी ही टीम मौजूद है। मैंने अगर आपका नाम नहीं भी लिया तो प्लीज़ जो सारे PWD से हैं एक बारी स्टेज पे आइए और इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ। थैंक यू सर। क्योंकि देखिए, बिल्डिंग बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं है, जितने दिल से जितने मन से PWD की टीम ने ये सारी बिल्डिंग बनाई है, वो इस बिल्डिंग के एक एक कमरे में, एक एक डेस्क में, एक एक कुर्सी टेबल जैसे पड़ी हुई है उसमें झलकता है। तो PWD की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान का भाग्य उसकी हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है, कि हम अपनी हाथ की लकीरों में लिखवा के आते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश में ये सच भी है कि एक बच्चा अगर किसी अमीर परिवार में पैदा होता है, जहाँ पर उसके माता पिता के पास बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस देने के पैसे हैं, तो 3 साल की उम्र पर जब उस बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन होता है तो उसका भविष्य वहीं से तय हो जाता है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, उस अच्छे कॉलेज से निकलकर अपना कोई बढ़िया बिजनेस सेटअप करेगा, प्लेसमेंट से बड़ी बड़ी नौकरी लेकर जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है, जहाँ पे माता पिता के पास महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। अगर आप देश भर का एजुकेशन का डेटा देखिए तो वो बताता है कि 50% से ज़्यादा चांस है कि अगर बच्चे ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया तो वो 12वीं की पढ़ाई करने से पहले ड्रॉप आउट कर जाएगा। अगर ड्रॉप आउट कर जाएगा तो फिर कहीं बाहर जाके एक छोटी नौकरी करेगा, हो सकता है किसी के घर में काम करे, किसी की दुकान में काम करे, मैकेनिक का काम करे। मैं ये नहीं कहती कि दुकान का काम करना, किसी के घर में काम करना, मैकेनिक का काम करना कोई कम है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि उसको ये काम करना पड़े। लेकिन यही हमारे देश की सच्चाई रही है कि गरीब का बच्चा गरीब और अमीर का बच्चा अमीर बनता है। लेकिन इसको बदलने के लिए कि हर गरीब से गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके, ये सपना 2015 में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने देखा। उन्होंने ये सपना देखा कि चाहे बच्चा अमीर परिवार से आता हो, चाहे बच्चा गरीब परिवार से आता हो, उसे देश की और दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया इस बात को कहते थे कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर करके दिखाएंगे, तो लोग हंसा करते थे। वो कहते थे, जी बातें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन ये सपना पूरा भी हो सकता है क्या? और ये सवाल भी जायज़ था, क्योंकि जब आप स्कूलों में जाइए, जो अभी विधायक जी बता रहे थे, दिल्ली के तकरीबन सभी स्कूलों का ये हाल होता था कि आप स्कूल के अंदर घुसिए तो गेट से सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, और जिसको टॉयलेट से इतनी बदबू आ रही होती थी उसके बाहर कॉरिडोर में बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते थे, क्योंकि स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम नहीं होते थे। आप क्लासरूम के अंदर जाइए
तो अक्सर टीचर क्लासरूम से बाहर होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी, बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होते थे, ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को कि उन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चों की शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और उन्होंने ना सिर्फ कहा, दिल्ली सरकार को देश की पहली ऐसी सरकार बनाया जो हर साल अपने बजट का 25% खर्चा शिक्षा पे करती है और 8 साल तक लगातार करते आई है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार।